मैंने जब फर्स्ट टाइम फोर्ट माइनर को सुना, क्योंकि मैंने फोर्ट माइनर से सीखा बहुत, मैंने बहुत सुना उसको, माइक शिनोडा से बहुत सीखा, सुन सुन के मैं पागल हो गया था कि मतलब हाउ ही कैन डू, इफ ही कैन डू आई कैन डू, बेशक वो गोरा है या जो बिल्कुल ये जिस टाइम में हम माइक शिनोडा को सुनते थे उसका म्यूजिक, वो इसका एक पहला एक मतलब यानी कि सॉन्ग था जो हम दोनों को ये लगा था यार कि वेयर यू गो जो था ना, वेयर यू गो नहीं, वेयर यू गो नहीं, बिलीव इन मी एक ऐसा गाना था, क्योंकि उसके लिरिक्स, उसके वर्ड्स, क्योंकि अगर आप निग्रो कम्युनिटी को देखो ना, उसमें जो भी गाना बनाता है वो सारे इतने हार्ड कोर और इतना कोई मतलब गैंगस्टर, बहुत गैंगस्टर गाने बनते थे, इतने ज्यादा यूज करते हैं कि मतलब वो एग्जिस्ट चाहे करते हम, भी हम, हो, हम, उनकी दोनों, में हम करते दोनों हो। जब सुनते थे ठीक है, तो उस वक्त सिर्फ गैंगस्टर सॉन्ग्स बनते थे बहुत ज्यादा, लूडाक्रिस, मुझे लूडाक्रिस बहुत पसंद था, लूडाक्रिस मुझे बहुत पसंद है, और मुझे मगर उस वक्त ये फोर्ट माइनर ने पहली दफा ये दिखाया था कि भाई म्यूजिक जो है वो हम कैसे रैप म्यूजिक बना सकते हैं इजीली। हाँ, उसने ये बताया था उसके लिरिक्स, उसके सारा कुछ इतना इजी था, वो इतना अंडरस्टैंडिंग सॉन्ग्स थे उनके के कानों पे, जब आप सुनते हो, एक ऑर्डिनरी लिसनर भी सुनता है ना, तो मतलब उसको लगता है कि उसको, हाँ, उसको I can really understand what he's saying, what he's trying to say, उसका रैप का, रैप का लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है, कितना डिवाइड करना है, क्या पीस है, लॉजिक से लॉजिक निकला, लॉजिक से लॉजिक की बात आज लॉजिक से लॉजिक दोनों कह रहे हैं भाई। मैंने द डे आई स्टार्टेड लिसनिंग टू लॉजिक, लॉजिक एक ऐसा एक अरसे बाद, क्योंकि फोर्ट माइनर पता है कब का आया हुआ है, फोर्ट माइनर मेरा ख्याल है 2004-5-6 में आया था, उसके बाद उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था खत्म हो गया, लॉजिक आया अभी, लॉजिक लाइक 2-3 साल के अंदर आया, 2013-14 में, और उसका सेम वही स्टाइल है जो फोर्ट माइनर का, फोर्ट माइनर का स्टाइल है उसका, बस सिंपल ये है कि वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, और वो उसका बड़ा रैप फास्ट है, मतलब the way he raps is pretty much faster than Fort Minor से fast है, मगर logic का flow, फिर मैंने जब जिस दिन तूने मुझे बताया वैन तू logic का सुन, मैंने तुझे कहा था ना कि logic का सुन, जो writing वो कर रहा है ना, जो वो writing कर रहा है यार, मैंने एक हफ्ता नहीं सुना तूने बहुत लेट किया है, मैंने लेट किया ठीक है, पता हुआ क्या, जब मैंने सुना ना, मैंने कहा यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बैठा हूँ और मैं क्या करूँ, मतलब कुछ सुनने को नहीं, कुछ मूवीज देखने को नहीं थी, मैंने उसको जब दो तीन, एक गाना सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, मैंने कहा यार ये तो फोर्ट माइनर दोबारा रीबिल्ट हुआ है, रीबिल्ट हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है, और अगर अगर उसका रैप नहीं भी मिलता, लॉजिक जो जिस तरह का रैप लॉजिक कर रहा है ना, मेरा जो ख्याल है बहुत अखीर है, मतलब उसने, मैं अपने दिमाग की एक साइकी बताता हूँ कि जिस दिन मैंने उसको सुना है, और हाँ मैं अभी उसके अच्छा, गाने को अच्छा, कवर कर अच्छा, रहा हूं। और डर के, और लॉजिक की बात यह है कि वो डर के बात नहीं कर रहा, तूने उसके किसी सॉन्ग में डर के बात नहीं करते हुए नहीं, वो ओरिजिनल बात कर, ओरिजिनल बात कर रहा है, मतलब कई इस तरह के फेक रैपर्स भी हैं जो बहुत कुछ बकवास मार रहे हैं, मतलब ठीक है यार, मैं समझता हूँ कि गैंगस्टरिज्म होता है रैप में और सारा कुछ, क्योंकि रैप असल में बना ही ब्लैक कम्युनिटी के लिए था, वहीं से निकला था, गैंगस्टर गैंगस्टरिज्म है, उनमें गैंगस्टरिज्म, मगर वो अपनी लाइफ की भी बात कर रहा है, वो अपने, लेकिन मैं तुझे एक हकीकत बात बताऊं, जो कि उसने बिग, और उसकी सबसे अच्छी बात ये कि वो एक अनसाइंड आर्टिस्ट है, मैं तुझे एक अनसाइंड आर्टिस्ट के पास नहीं होता, रैप एक कहते हैं ना कि ठीक है एक डिस्कवर या इन्वेंट जो हुआ वो रैपर ब्लैक कम्युनिटी ने किया, रैप को इन्वेंट उन्होंने किया, लेकिन आई डोंट सी रैप एज अ जनरा ऑफ ब्लैक कम्युनिटी एनीमोर, वजह उसकी ये है क्योंकि अब इतने आर्टिस्ट बड़े बड़े, येला वुल्फ है, एमिनम है, लॉजिक है, फोर्ट माइनर है, यू कांट डिनाई कि दे आर, मतलब कुछ भी नहीं है उनका एक होल्ड है, उनका होल्ड है, फिर उसके बाद हमारी अपनी कम्युनिटी देख लो, पाकिस्तान इंडिया की कम्युनिटी देख लो, उसमें ठीक है हनी सिंह रैपर कई हद तक कहते हैं लोग है, कई कहते हैं जी नहीं वो रैपर नहीं है, नहीं है ठीक है, बस उसका एक अपना स्टाइल है, वो भी एक अपना स्टाइल, क्या कर रहा है, जो भी करना चाह रहा है, कुछ भी कहता है वो खुद अपने मुंह से कहता है आई एम नॉट अ रैपर, चलो उसे काउंट, उसे काउंट कर लो, उसे काउंट, उसे आरएनबी में काउंट कर लो, काउंट कर लो, बादशाह है इंडिया, बिल्कुल नहीं, वैसे मुझे पता बादशाह कौन है, बादशाह जो वो जो भी जिसका बंदूक गाना, हाँ वो बंदूक वाला, ठीक है ठीक है, वो भी है, बहुत से और रैपर्स पाकिस्तान में है,
जो देसी कम्युनिटी में हमारे, और उन्होंने अपने आप को मनवाया है। आप ये नहीं कह सकते, देखो अगर सद ये है कि यार कि जब जब कोई आर्ट आर्ट देखता है तो मजा आता है उसके बारे में बात करके। हाँ मैं मतलब मुझे खुशी पता क्यों होती है, क्योंकि मैं अभी ना 2 दिन पहले एक ना ट्रैवल एजेंसी में बैठा हुआ था, तो वहाँ ना एक गुजरांवाला की बात है, तो वहाँ एक SP गुजरांवाला का बंदा बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो बंदा बैठा हुआ ना बातें कर रहा था, एक वहाँ लेडी भी बैठी थी, मेरे फादर भी बैठे थे। अब मैं अपने फादर के सामने जिक्र नहीं करता कि मैं म्यूजिशियन रैप और ये वो इस तरह के, हां वी डोंट डिस्कस इट विद अस, अच्छा नहीं लगता है, वैसे एक थोड़ी शर्म है जो भी पाकिस्तानी हम, अब वहाँ इधर उधर की बातें कि हम ये बिजनेस वो बिजनेस, अब वो ना लेडी को पता नहीं, मुझे लग रहा था इम्प्रेस करना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है, उसने ना उस लेडी को बताया कि आपको पता है कि ये DJ है। DJ मतलब मैं आई एम नॉट अ डिस्को जॉकी, और जॉकी तो नहीं है मेरे पास। मैंने फिर ना उनको बताया, कहता कि जी ये बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, गाना गाता हूँ, मतलब अभी तक लोगों को कंफ्यूजन है, लोगों को पता नहीं है देसी मशीन्स के बारे में, ज्यादा नहीं पता लोगों को। नहीं चलो एक्चुअली जैन बात यह है कि हमारा जॉनरा भी तो बहुत अजीब है ना, मतलब कि यार बेशक अजीब, पता क्या है अजीब, पता क्यों है अजीब, जॉनरा भी अजीब है। एक तो हम इंग्लिश को उर्दू में मिक्स करते हैं, उर्दू को हम पंजाबी में मिक्स करते हैं, मार्केट जो है हमारी बहुत मिक्स है। और मैं ये समझता हूँ ये गुड चीज़ है देसी मशीन्स के बारे में कि हमारी जो मार्केट है वो बहुत वर्सेटाइल और बिट डिफरेंट है, और लिस्टर हमारा हर किस्म का है, वो इंडिया में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, UAE में भी है, UAE में भी है, और लोग मतलब म्यूजिक बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में बहुत है देसी लिस्नर है, तो वो एक्चुअली वर्सेटाइल क्योंकि हम म्यूजिक भी डिफरेंट सुनते हैं। जैसे अभी हम वो अभी तक वो तुझे देखा तो ये जाना सनम, अभी तक शायद वो सुनना चाहते हैं, या अगर वो सुनना चाहते भी हैं ना तो ये, वो ये बात बात ये वो बोहेमिया वाला रैप हो जाएगा। एक्चुअली बोहेमिया जो है वो उसने क्या रैप था उसका जो कोक स्टूडियो में था, नहीं 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 जिसमें उसको जिसमें वो कहता है कि मुझे तुम लोगों की पुरानी चीजें नहीं पसंद, अच्छा वो गाना मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा हम लोगों को ऐसे क्योंकि हम बड़ा मिक्स R&B और रैप म्यूजिक बनाते हैं, हमें वो बड़ा ऐसा लगता है जैसे बैकवर्ड है म्यूजिक, और वो मैं समझ रहा हूँ कि उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू यार पता है क्यों हमें लोग क्यों कहते हैं कि यार यूर ओल्ड स्कूल, यूर ओल्ड स्कूल, हमें हर बंदा कहता है। अच्छा देसी मशीन्स को लोग कुछ लोग समझते हैं, वजह उसकी है क्योंकि हम लोग रहे ही ओल्ड स्कूल में, ओल्ड स्कूल हमने हमारी लिसनरशिप जो थी ना, सॉरी हमारी लिसनरशिप कह रहा हूँ मैं, मतलब हमारी लिसनिंग जो थी वो हमसे हमारी सारी ओल्ड स्कूल थी, मसलन फोर्ट माइनर जो लिंकन पार्क से रिलेटेड था, लॉजिक भी अगर हम सुनते हैं लॉजिक ओल्ड स्कूल बंदा है, बिल्कुल है, लूडा क्रिस ओल्ड स्कूल है, कमीलियन एयर को हम बहुत सुनते थे, वैसे वो अजीब सा था बंदा, ठीक है वो भी ओल्ड स्कूल था, टूपाक को बहुत सुना हमने, हमने क्रेजी बोन को बहुत सुना, हमने ट्विस्टा को बहुत सुना, ये वो आर्टिस्ट हैं जो इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं।